अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट्स फॉर लाइफ। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं बड़े मज़े की अपनी तरह की काहिल वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। अब काहिल वीडियो क्या है, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ गया, अब तक एक प्लांट है जो कि इंतहाई मिजरेबल हालत में है, जिसका बचना नामुमकिन नज़र आता है, जो अब ठीक भी नहीं हो सकता, और पता नहीं इसके साथ साथ क्या पीड़ा वर्क हो चुके हैं इसके। खैर, मेरा मिशन है इसको सेव करना। तो इसको सेव करने के लिए मैंने क्या किया, पहले तो इसको बाहर निकाला। इसको सेव करने के लिए मैंने एक वही फर्टिलाइज़र लिया है जो आम तौर पर हर किसी घर में होता है, वो क्या है, जी एग शेल्स का फर्टिलाइज़र। वो अब वो यूज़ किस तरह करना, वो उसी तरीके से, काहली वाले तरीके से, जिस तरह मैं हमेशा हर चीज़, हर फर्टिलाइज़र को मोस्टली यूज़ करती हूँ, कि आप डायरेक्ट डंप करें, आप इसको सॉइल में कुछ अर्से में वो डिके हो जाएगा और वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे उसके कंपोनेंट्स, और आहिस्ते आहिस्ते सॉइल में उसके न्यूट्रिएंट्स बहाल होना शुरू। अब जी एग शेल्स ज़रूरी क्यों है, वो बिसाइड्स एलोवेरा की बात करें तो वो फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए और फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के लिए बड़े अच्छे हैं। जी मेरे टोमेटो प्लांट के लिए बड़े सूट किए थे। इनको इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। एक वही रवायती तरीका जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, वो ये कि आप डायरेक्ट सॉइल में डंप करें उसको, और फिर बाद में जो है एक्शल्स डाल दें, कोई भी फर्टिलाइजर डाल दें, क्योंकि यहाँ बात हम एक्शल की कर रहे हैं, तो जी अंदर आप एक्शल डालें और फिर उसके बाद ऊपर मट्टी डालें, प्लांट लगाएं, और जी क्योंकि आपने नया नया प्लांट लगाया तो उसको शेड में रख दें, और जी काम ख़त्म। और दूसरा काम क्या है, ज़रा वो थोड़ा सा मेहनत तलब है, कि जब आप अंडा इस्तेमाल करें, आप उसको धोएं, थोड़ा सा खुशा करें, उसके अंदर की जो मेम्ब्रेन है ना वो बाहर निकाल लें, उसके बाद अंडों के छिलकों को अच्छी तरह से ड्राई कर लें, और उसके बाद उसको पीस के कूट के आप वैसे ही मट्टी में मिला दें, तो वो ज़रा प्लांट्स के लिए इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट डंपिंग वाला काम होता है, वो मैं उन प्लांट्स के लिए करती हूँ कि जिनका मुझे पता है कि अभी इनकी रूट्स डिवेलप होने में टाइम लगेगा, इनकी रूट्स प्लांट के पॉट के उस पार्ट तक पहुँचने में टाइम लगेगा जहाँ पे हमारे ऑफिशियली न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे। तो इसी तरह आहिस्ते आहिस्ते वो डिके होते जाएंगे और प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते जाएंगे। तो ये मेरा कुछ काहली वाला कुछ अच्छे तरीके से काम करने का तरीका है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये मैंने प्लांट अपना तैयार कर लिया, अब मैं इसको रख दूँगी शेड में, और लेट्स वेट के रिजल्ट्स कैसे आएंगे।